कोरोना, टीबी और कुष्ठ रोग के साथ साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसे गैर संक्रामक रोगों से ग्रस्त लोगों का पता लगाने के लिए हमीरपुर जिला में हिम सुरक्षा अभियान शुरू हो गया है। उपायुक्त देवस्विता बनिक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर से इस अभियान का शुभारंभ किया तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि 27 दिसंबर तक चलने वाले हिम सुरक्षा अभियान के तहत जिला में लगभग 532 टीमें घर घर जाकर कोरोना, टीबी और कुष्ठ रोग के साथ साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसे गैर संक्रामक रोगों से ग्रस्त लोगों की जानकारी एकत्रित करेंगी। अभियान के दौरान लोगों को इन बीमारियों के, विशेषकर कोरोना के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्हें पंपलेट बांटे जाएंगे तथा कोरोना और अन्य रोगों से संबंधित टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन टीमों में स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर शामिल हैं। ये टीमें जिला के लगभग 4,85,000 की आबादी कवर करेंगी। उपायुक्त ने कहा कि अभियान के दौरान लोगों की जांच के साथ साथ जागरूकता और उनकी काउंसलिंग पर भी विशेष जोर दिया जाएगा ताकि इन बीमारियों से ग्रस्त सभी लोगों का डाटा एकत्रित हो सके और उनके टेस्ट एवं उपचार जल्द शुरू हो सके। इस अवसर पर उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों और आशा वर्कर से अपील की है कि वे अभियान के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी सावधानियों का विशेष ध्यान रखें तथा लोगों से सीधा संवाद करके उनसे वास्तविक जानकारी एकत्रित करें ताकि कोरोना के लक्षण या अन्य गंभीर बीमारियों के शिकार लोगों की तुरंत जांच एवं उपचार आरंभ किया जा सके। अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार, जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सतीश शुक्ला और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज 25 नवंबर को हिम सुरक्षा अभियान जो है, एक्टिव केस फाइंडिंग जो कोविड के लिए स्पेसिफिकली घर घर जाके जो हमें स्वास्थ्य की टीमें हैं वो कोविड के लक्षण वाले सभी लोगों को जो है उनके जांच करेगी और सैंपल्स कलेक्ट करेगी और इसके साथ साथ दूसरी अन्य बीमारियां जैसे टीबी, लेप्रसी, डायबिटीज़ या दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके भी जो है मैपिंग होगी। तो ये अभियान जो है 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक हमारे पूरे प्रदेश में और हमारे ज़िला भर में चलेगा, उसका हमने यहाँ पे आज लॉन्च किया है। और लॉन्च में हमने जो एक्टिव केस फाइंडिंग की टीमें स्वास्थ्य विभाग की लोगों के घर घर जाएंगी उसके साथ साथ जो है एक IC कैंपेन भी साथ में लॉन्च किया है जहाँ पे सभी लोगों को जागरूक करना भी उतना ही ज़रूरी है। और लोगों से हमारी लगातार गुजारिश रही है और फिर से आगे भी रहेगी कि अब ठंड का मौसम बढ़ रहा है, कोई भी सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें उसको उससे बचें जहां तक संभव हो। ऐसी कोई भी जो है क्लस्टर हॉटस्पॉट्स बनने ना दें, चाहे अपने सामाजिक कार्यक्रमों में या अपने दफ्तरों में या कहीं और। तो इसी के चलते हमने काफ़ी सारे पीछे जो हैं कुछ SOPs जारी किए हैं, कोई ऑर्डर्स जारी किए हैं जिसमें बाहर में भी अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, पहले सिर्फ अंदर के लिए लिमिट था, अब बाहर भी अगर खुले आसमान के नीचे भी कोई फंक्शन होता है तो भी उसमें 200 से ज़्यादा लोग किसी भी हालत में नहीं इकट्ठा होने चाहिए। और अंदर के कार्यक्रमों में भी 50% कैपेसिटी मैक्सिमम जो है किसी हॉल की या किसी कार्यक्रम स्थल की हो और उसमें भी 100 लोगों का तक ही जो है अलाउड होंगे अंदर किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं जो SDMs ने अपने अपने सब डिविजन्स में गठित की हैं उसमें पुलिस विभाग के लोग, हमारे रेवेन्यू के लोग भी उसमें शामिल होंगे, वो भी जो है रैंडम चेकिंग इस तरह के सारी सामाजिक कार्यक्रमों की करेंगे। और हमारी आशा है कि लोग जो है अपनी सहभागिता से खुद वॉलंटरीली सारे जो है COVID-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, चाहे वो हाथ बार बार धोना हो, मास्क का उपयोग करना हो, जो सामाजिक दूरी है उसको बरकरार रखना हो या कहीं भी भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करने की हमारी जो बार बार अपील रही है, मेरी आशा है हमारी पूरे स्वास्थ्य टीम के तरफ से भी मैं अपील सभी को दोबारा करना चाहूँगी कि आप सब वॉलंटरीली अपनी सहभागिता हमें देंगे, हमें हमसे कोऑपरेट करेंगे ताकि जो बढ़ते संक्रमण के मामले आ रहे हैं लगातार उसमें हम लगाम लगा सकें और इस सर्दी के मौसम में हम लोग और इस स्थिति को जो है हाथ से बढ़ने ना दें।